जय हिंद दोस्तों। देखिए SSC GD 2024 की जो 23 फरवरी के एग्जाम हुआ है, तो फर्स्ट शिफ्ट के किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। तो जरूर देखिए किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो, आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं किस तरह के प्रश्न पूछ रहा है आज। ठीक है, तो SSC GD 2024 एग्जाम 23 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का GK GS एनालिसिस करने जा रहे हैं, जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं, देखिए जो आज का पहला प्रश्न है आप लोग को दिखाने जा। तो देखिए जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न की बात करें तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो क्रिप्स मिशन की बात करें तो मार्च 1942 में भारत आए थे क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुंडल कुलम नाभिकीय विद्युत यंत्र किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है कुंडलकुलम नाभिकीय विद्युत यंत्र। ठीक है, प्रश्न जरूर देखिए जो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों का प्रश्न आएगा। कथकली एवं मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है, ये प्रश्न आया था तो केरल राज्य से संबंधित है। नृत्य से हर शिफ्ट में एक दो प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न देखते हैं, डंडा यात्रा महोत्सव किस राज्य का है, तो उड़ीसा का है डंडा यात्रा यात्रा महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जन औषधि एक्सप्रेस कब चली, तो 1 मार्च 2023 को चली है। और भारत में कब ट्रेन चला है पहली बार, तो पहली बार बात करें तो 1853 में, कितने साल में, 1853 साल में पहली बार ट्रेन चली थी कहां से, बंबई से थाने स्टेशन पर। नेक्स्ट देख लेते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 25 और 28 में, तो 25 और 28 आर्टिकल में धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार के बात कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, है अगस्त 2023 नीरज चोपड़ा ने कौन सी मेडल जीता था, तो गोल्ड मेडल जीते थे। तो नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंको में से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मीराबाई चानू का संबंध बताओ, तो ये प्रश्न पूछा गया था याज। तो मीराबाई चानू के बात करें तो देखिए जो किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न पूछा था याज। तो भारत के लिए भारत उत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली पहली महिला थे, महिला है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये प्रश्न पूछा था तो गंगा। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर, कितना 2525 किलोमीटर इनकी लंबाई है गंगा नदी भारत में, 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे लंबी बांध कौन सी है, तो हीराकुद बांध। ठीक है, भारत की सबसे लंबी बात करें तो हीराकुद बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, तो विवेक एक्सप्रेस। देखिए ट्रेन से दो प्रश्न पूछ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति निर्वाचन रीति कौन सी अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 55 में है। तो देखिए दोस्तों, आज के जितने भी प्रश्न आए थे मेरे पास, आप लोगों को मैं बता दिया हूं। और जैसे ही सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम शेष होगा, आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह के GK GS प्रश्न पूछ रहा है 23 तारीख का आज। तो ये वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल पर जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।